आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास दरोगा सेट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल जिसमें अर्जुन मुंडा का झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे? 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2004 तक। झारखंड के पहला मुख्यमंत्री बात करेंगे तो बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा और तीसरा शिबू सोरेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अभी है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन अभी है, नेक्स्ट आएंगे तो अपडेट कर देंगे। तो द्रौपदी मुर्मू है। 4 नंबर है, झारखंड निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लोह अयस्क भंडार के लिए स्रोत है? तो पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम देख रहे हैं ना, संथा कुल्हान प्रमंडल में। पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम का स्थापना 1990। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर और पश्चिम सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका स्पीड का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संथाल परगना कमिश्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है मेरे प्यारे भाई कि सोन रेखा हुनरू फॉल कितनी ऊंचाई पर है? तो 320 फीट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 2011 जनगणना के अनुसार बोकारो जिला के लगभग कितनी आबादी है? तो करीबन 20 लाख है। अगर ऑल ओवर अगर आप पूछेंगे कि बोकारो जिला का 2011 जनगणना के अनुसार टोटल कितना है, तो 20,62,330। बोकारो में 9 ब्लॉक है। और इसके बाद बोकारो का इम्पोर्टेंट है एजुकेशन रेट, तो एजुकेशन रेट बोकारो का है 72% और इसका स्थापना 31 मार्च 1991 में हुआ है। ठीक ना, इसके बाद देखेंगे पुराने सिंहभूम कितने ब्लॉक के अलग करके पूर्वी सिंहभूम का जिला गठन किया गया था? 9 ब्लॉक। ठीक ना, पुराने सिंहभूम को अलग करके 9 ब्लॉक अलग करके गठन किया गया था। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम के स्थापना 1990 में। अभी पश्चिम सिंहभूम में 18 ब्लॉक है और पूर्वी सिंहभूम में 11 ब्लॉक है। कोलान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। गढ़वा जिला के उत्तर में किस नदी से घिरा है? तो सोन नदी से। ठीक है, गढ़वा के एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ अपना बॉर्डर टच करता है। हरिहर धाम बागोडर झारखंड के किस जगह पर स्थित है? तो गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला के बारे में आप रूबरू होंगे। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा OBC पाए जाते हैं 40%, पर लोग 13 हैं। गिरिडीह की स्थापना 4 दिसंबर 1972 में हुआ है। ठीक ना, इसके बाद देखेंगे एजुकेशन रेट 63.14% है। सर्वाधिक अनुमंडल है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से से स्थित है? तो गुमला, अगर आप बात करेंगे गुमला जिला, ठीक ना, तो यह मान लीजिए यहाँ नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ओके, अगर गुमला जिला थोड़ा सा मैप में व्यू कीजिए कि गुमला है किधर, इसके बाद में पता चल जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको गुमला यहाँ पे है, ठीक है, इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण से एक ऑप्शन है आप क्लिक कीजिए। इसके बाद पूरब है पश्चिम, तो यहाँ के बीच है गुमला, तो गुमला को दक्षिण पश्चिम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब गुमला जिला, अरे गुमला जिला के बारे में जाने, इसका एजुकेशन रेट 75.75 है और 55% है और ब्लॉक 12 है। 5360 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और अभी स्थापना है 18 मई 1983। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद फिर गुमला जिला रांची से कबल 18 मई 1983, ये रिपीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या चाहिए? झारखंड राज्य के सरकार की राज्य की नीति किस प्राधिकरण पर लागू हुआ था? तो साझा, ठीक है, SAJHA। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित झारखंड के अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर क्या है? तो 57.10% है, ST। ठीक ना, झारखंड के कौन सा जिला आदिवासी जनसंख्या के न्यूनतम है? तो कोडरमा, कोडरमा जिला सबसे कम है। और कोडरमा जिला का अगर आप बात करेंगे तो कोडरमा का कितने ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो 6 ब्लॉक है और इसका एजुकेशन रेट 68.86% है। 2540 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 1994 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, इसके बाद साहेबगंज से ही आपको गंगा रिवर थोड़ा सा क्रॉस करती है 30-35 किलोमीटर। 1983 स्थापना है, 9 ब्लॉक है और 2063 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद देखेंगे पाकुड़, तो पाकुड़ का जो है करीबन 1811 वर्ग किलोमीटर एरिया है और इसका 6 ब्लॉक है और 28 मई 1994 में इसका स्थापना है। लातेहार को देख रहे हैं, पलामू से अलग होकर बना है। लातेहार का स्थापना 2001 में हुआ है 4 अप्रैल को और इसका एरिया है 42 और 9 ब्लॉक है। एजुकेशन रेट 59.5% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे झारखंड की किस जिले की आबादी, ये तो हो गया। देखिए यहाँ पे है झारखंड शैक्षिक परिषद मध्यम शिक्षा एंड मदरसा प्रबंधन के स्थापित किया गया है। सैनिक मंगल पांडे की नृत्य 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था, तो डोरंडा रांची में हुआ था, ठीक ना। मुंडा आबादी खुद को होल्डरों कहते हैं, ठीक है। मुंडा ज़्यादा झारखंड में रांची में पाया जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, इसके बाद उरांव, इसके बाद मुंडा, इसके बाद हो, तो झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है मुंडा, ओके। बोकारो अपनी लोह यश की आपूर्ति किस खदान से करती है, तो क्यूझर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 देखेंगे। 20 में क्या बोल रहा है, 20 में बोल रहा है कि झारखंड की इस जनजाति की लड़की लड़कियों की जतरा के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। जतरा जनजाति की पहचान करें तो ओराव, ठीक है। उरांव संथाल, उरांव मुंडा हो, ये सब झारखंड की जनजाति है इंपॉर्टेंट। सरहुल मुंडा जनजाति के उत्सव कहा जाता है बापरब, कौन परब, बापरब। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ठीक है। 22 में क्या है, झारखंड के बिहार जनजाति के लोगों को निवास के रूप में क्या कहा जाता है, टंडा कहा जाता है, ठीक है। झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील सिटी कहा जाता है, टाटानगर जमशेदपुर, ओके, टाटानगर जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर के यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है, तो घाटशिला में, ठीक है। लघु स्तरीय अनुष्ठान संस्थान की स्थापना की गई है सिंदरी में, ठीक है। और उलगुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है, तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा आंदोलन को ही उलगुलान आंदोलन कहते हैं या अति विद्रोह कहते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू खूटी से हुआ है और इसके 15 नवंबर 1875 में हुआ है। इसी के जन्म दिवस पर झारखंड को जन्म मतलब अलग हुआ था बिहार से। जब बिहार से अलग हुआ था तो झारखंड में 18 जिले थे, अभी 24 जिले हैं, और बिहार से अलग हुआ था नियर अबाउट 47.6% कुछ एरिया था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित हुआ था, तो 1948। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, झारखंड के रांची के जिले के कौन सी जनजाति सबसे अधिक है, तो हम बताए थे मुंडा, संथाल, उरांव, मुंडा हो, याद रखेंगे संथाल सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, इसके बाद उरांव है, इसके बाद मुंडा है, इसके बाद हो है। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों के न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, तो ये किया गया है सबसे सर्दी अगर पूछ रहा है ना, सबसे ज़्यादा सर्दी, तो अब सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पर होता है, तो नेटरहाट पहाड़ पर, ठंडा वहीं पर है, सूर्योदय का खूबसूरती वहीं पे दिखा जाता है। इनमें से कौन सा मगध की राजधानी थी, पाटलिपुत्र। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, जय हिंद। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट लाएंगे।